हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B24 नॉलेज। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को कैसे करेक्शन कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करने के लिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कैसे करेक्शन कर सकते हैं इसके बारे में पूरा फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको UDI के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद आपको माई आधार पे क्लिक करना है। माई आधार पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अपडेट डेमोग्राफी डाटा चेक स्टेटस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, PVC कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, एनरोलमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। चलिए मैं आधार नंबर को टाइप कर देता हूँ। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर लेना है। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आ जाएगा। OTP यहाँ पे डाल के और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा। पहला, आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, PVC कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड को। अपने आधार कार्ड का फ्रंट पेज और बैक पेज भी देख सकते हैं। अपने आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए आपको ऑनलाइन अपडेट सर्विस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक कर देना है। नाम करेक्शन कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं और जेंडर भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं DOB आपको चेंज करके दिखाता हूँ, मीन्स डेट ऑफ बर्थ। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका पहला जो डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाएगा यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है। पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद से डेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सपोर्ट करना है, तो बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का मार्कशीट, बहुत सारे सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपका लीगल होना चाहिए, तभी आप अटैच कर सकते हैं। इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास पैन कार्ड है तो मैं पैन कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अटैच यहाँ पे कर लेना है। कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक कर लेना है। आपका डॉक्यूमेंट जहाँ भी होगा उसको आपको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर लेना है। आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इसको दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, तो इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, वॉलेट या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाला हूँ, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। फिर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर कंफर्म पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, इस पे डाल के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, एक स्लिप जनरेट होके आ जाएगा। इस स्लिप को आप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड में 4 से 5 दिन के अंदर आपका आधार कार्ड अपडेट कर दिया जाएगा। अब फिर आपको UDI के ऑफिशियल पोर्टल पे आके अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। यदि कोई क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।